हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स अकेडमी रुड़की। आई एम विपुल सैनी, फैकल्टी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो थ्रू दिस वीडियो सीरीज वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज द सॉइल मैकेनिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी, एंड इन टूडे लेक्चर वी विल स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ सम डेफिनेशंस, दैट इज द ऑन द टर्म ऑफ इंडेक्स। सो आवर फर्स्ट टर्म इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। So first definition is plasticity index। ठीक है, तो देखो जो हम जितने भी इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ पढ़ा था, जो कि कंसिस्टेंसी का ग्राफ, बेसिक ग्राफ पढ़ा था, तो उस ग्राफ के बेसिस पर ही हम जितने भी हमारे पास इंडेक्स हैं तो वो सब हम उसी ग्राफ के बेसिस पर देखेंगे। तो देखो एक ग्राफ बना लेते हैं, जो कि देखो अब तक ये ना ग्राफ याद हो गया होगा, क्योंकि पिछले दो लेक्चर से ये सिंगल ग्राफ ही चल रहा है। तो ये हमारा है सॉलिड स्टेट, ये है सेमी सॉलिड, दिस इज प्लास्टिक, एंड दिस वन इज लिक्विड। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है लिक्विड लिमिट, WL। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक लिमिट, और ये जो हमारे पास पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो जो हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं वाटर कंटेंट, और y एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम, ओके, विद कोरस्पोंडिंग टू सर्टेन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसे अगर दो टर्म में डिवाइड करें, दैट इज प्लास्टिसिटी एंड सेकंड वन इज इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब है कि वो स्टेज, जिस स्टेज में जो हमारा सॉइल है वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखो कौन सी स्टेज है जिसमें जो हमारा सॉइल है वो प्लास्टिक की फॉर्म में है, तो ये वाली स्टेट है। तो ये वाली, अगर हमारे पास जो सॉइल है वो इसी स्टेट में है, तो वो प्लास्टिसिटी का जो नेचर है वो शो करेगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है WL, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक है WP। तो इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो क्या बचा? ये टर्म बची। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्लास्टिक की स्टेज। ठीक है, तो देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देखा हमने, फॉर्मूला क्या है इसका, देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट बाय द आईपी, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और आईपी जो हमारा होता है, आईपी हमारा होता है WL माइनस WP। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए पॉइंट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब है कि इट शो द स्टेज एट विच द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। इट रिप्रेजेंट प्लास्टिक स्टेज, किसकी? सॉइल की। ठीक है, तो जो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमारा सॉइल है उसकी प्लास्टिक स्टेज है। ठीक है, तो बी पॉइंट देखो, अगर सॉइल हमारा प्लास्टिक है तो इसका मतलब क्या है? देखो इफ सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या है? क्ले प्रेजेंट है। क्ले प्रेजेंट है तो क्ले हुआ तो उसके अंदर क्या होगा? मिनरल्स होंगे। मिनरल्स कौन कौन से होंगे? क्ले है तो मिनरल्स होंगे, और मिनरल्स कौन कौन से होंगे? देखो मिनरल्स हमारे जो होंगे वो होंगे केओलाइनाइट, इलाइट, एंड थर्ड वन इज मोंटमोलियोनाइट। ठीक है, देखो जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी थी कि वो हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करता था। वो किस लिए करता था? वो ये इसलिए करता था क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल प्रेजेंट था वो कौन सा था? वो था मोंटमोलियोनाइट प्रेजेंट था। ठीक है, तो देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब है कि प्लास्टिक है, इसका मतलब उसके अंदर क्ले प्रेजेंट है। क्ले प्रेजेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर मिनरल्स है। मिनरल्स बेसिकली हम
जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, केओलाइनाइट, इलाइट और मॉन्टमोरिलिनाइट। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करता है, प्लास्टिसिटी शो करने का मतलब कि हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है, वो करता है मॉन्टमोरिलिनाइट। इसका मतलब इसके अंदर मॉन्टमोरिलिनाइट प्रेजेंट होगा जिस सॉइल के अंदर, वो उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा वो हाई होगा। ठीक है, अब रेंज देख लेते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है और हम कैसे सॉइल को डिफाइन करते हैं उस रेंज में। ठीक है, तो रेंज की सी पॉइंट देखते हैं, रेंज। ठीक है, देखो अगर हमारे पास जो है रेंज वो जीरो है या वन से फाइव या फाइव से टेन, टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू फोर्टी और मोर देन फोर्टी। ओके, देखो ये क्या है, ये हमारा है आईपी, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर हमारा जीरो है तो वो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इट इज नॉन प्लास्टिक। ये हमारा नॉन प्लास्टिक फॉर्म में है। अगर वन से फाइव रेंज में हुआ तो इसको बोलेंगे लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक। ओके, और ये लो प्लास्टिक के बाद हमारा जो होगा वो हमारा होगा स्टिफ प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, स्टिफ मीडियम प्लास्टिक। 20 टू 40 हमारा जो होगा वो हमारा इस रेंज में जो अगर सॉइल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इट इज हाईली प्लास्टिक। और जो मोर देन 40 है इसका मतलब है इट इज एक्स्ट्रा प्लास्टिक। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी हाई प्लास्टिक। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या देखा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है आईपी वो हमारा होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे कि हमारे पास जो ये डब्ल्यू एल है दैट इज़ द लिक्विड लिमिट और उसमें से हम माइनस करेंगे डब्ल्यू पी। डब्ल्यू पी क्या है, डब्ल्यू पी हमारा है प्लास्टिसिटी लिमिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स है दैट इज द श्रिंकेज इंडेक्स, वो देखते हैं कि श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अगर आप दोबारा बना लेते हैं तो देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, समझ गए ना कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखो कोई भी इंडेक्स याद नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें ग्राफ पता है कि ग्राफ कैसे बनता है, जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है उसका बेसिक ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो जितने भी इंडेक्स हैं वो सब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टेट हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इजीली निकाल सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट में लाई कर रहा होगा। देखो ये सॉलिड पार्ट हुआ, ये हमारा हुआ सेमी सॉलिड पार्ट, ये हमारा हुआ प्लास्टिक, और लास्ट वन हमारा हुआ लिक्विड पार्ट। ठीक है, ये है क्या डब्ल्यू एल, डब्ल्यू पी एंड दिस वन इज डब्ल्यू एस। ठीक है, ये क्या है श्रिंकेज लिमिट, ये क्या है प्लास्टिक लिमिट, और ये क्या है लिक्विड लिमिट। तो जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन हमारी थी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास है श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, देखो श्रिंकेज इंडेक्स देखते हैं कि कैसे निकालते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रिंकेज इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट कहाँ क्या है, कहाँ है, वो है यहाँ। तो
देखो अगर जो हम मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करें कि सेमी सॉलिड स्टेट कहाँ पर है, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले श्रिंकेज इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम आई एस से, दैट इज द श्रिंकेज इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, दैट इज प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। देखो ये इतनी जो रेंज है वो है प्लास्टिक लिमिट की, और ये जो रेंज है ये हमारा है श्रिंकेज लिमिट की। अगर हम प्लास्टिक लिमिट की रेंज से श्रिंकेज लिमिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा रीज़न आएगा? हमारे पास आएगा सेमी सॉलिड रीज़न। ये वाला जो रीज़न है यही रीज़न कौन रिप्रेजेंट करता है? श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो है इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ सोइल। ठीक है, ये हमको बताता है कि जो हमारे पास सॉइल है वो किस स्टेज में है, वो हमारा सेमी सॉलिड स्टेज में है। ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स का सिर्फ यही याद रखना कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स। तो देखो जो इजी वे है इन दोनों को पढ़ने का वो टेबुलर फॉर्म में है, तो हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, देखो जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मतलब है कि जो हमारे पास नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन में सॉइल की मींस सॉइल का जो स्टेज है वो क्या है, तो वो सब हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एज वेल एज लिक्विडिटी इंडेक्स। तो सिंपल जो इसका फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है वो क्या है, देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई सी, और लिक्विडिटी इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई एल से। ओके, तो देखो जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसका फॉर्मूला, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये क्या है? यही तो हमारा है जो हमने इससे पहले जो टर्म पढ़ी, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही आता डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, सो दिस इज डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन आई पी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। डब्ल्यू एन क्या है? देखो आई पी तो समझ गए ना, आई पी हमारा क्या है? आई पी हमारा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एल क्या है? डब्ल्यू एल हमारा है लिक्विड लिमिट, ये भी हम लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं। और डब्ल्यू एन क्या है? डब्ल्यू एन हमारा है कि जो हमारे पास नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट में सॉइल के जो हमारे पास सॉइल सैंपल है उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सो डब्ल्यू एन इज वॉट? डब्ल्यू एन इज द नेचुरल स्टेट वाटर। ठीक है, इट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इन द नेचुरल स्टेट, डब्ल्यू एन। तो ये जो था, ये था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। अब अगला जो हमारा है वो है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। देखो लिक्विडिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? आई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, तो जो यहाँ पर भी सेम, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी क्या है? ये हमारा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज आई पी। ठीक है, तो ये दो सिंपल फॉर्मूले हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स का और लिक्विडिटी इंडेक्स का। अब देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखो इन दोनों का अगर ऐड करें तो क्या आएगा? दिस प्लस दिस, आई सी प्लस आई एल, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो आई पी आई पी, तो आई पी क्या होगा? आई पी हमारा कॉमन आ जाएगा, एल सी एम लेंगे तो
डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एन कैंसिल आउट हो गए, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी क्या है, यही तो हमारा है आई पी, दैट इज द प्लासिट इंडेक्स, तो ये क्या आया आई पी अपॉन आई पी, ठीक है, आई पी आई पी फिर से कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ से इसकी जो राइट हैंड साइड आई वो क्या आ गई, वो आ गई वन, ठीक है, तो यहाँ से एक सिंपल रिलेशन आया, दैट इज़ कि जो हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स है और जो हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स है, इन दोनों का जो समेशन है वो हमेशा वन आएगा, ठीक है, सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड दैट आई सी प्लस आई एल इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है, तो एक रिलेशन ये है जो याद रखना है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास आई सी है और आई एल है, ये हमें कैसे बताता है कि जो हमारे पास सॉइल है, जो नेचुरल कंडीशन में हमारे पास सॉइल है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि किस स्टेट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो अब देखते हैं रेंज कि देखो हम इजीली निकाल सकते हैं आई सी और आई एल, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, तो इनकी वैल्यू से हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सॉइल है वो कौन सी कंडीशन में है, तो उसके लिए हम टेबल देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। तो टेबल देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास आई एल है, जो आई एल है दैट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, इसकी रेंज देख लेते हैं। देखो अगर आई एल हमारा वन से बड़ा हुआ, इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब क्या है, अगर आई एल हमारा वन से बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है। कैसे पता चला, क्योंकि आई एल मीन्स लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, और अगर ये वन से बड़ा हुआ तो मतलब कि जो हमारे पास सॉइल है वो अबाउट टू फ्लो है, मीन्स उसकी जो स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेज, ठीक है। सेकंड, इफ द वैल्यू ऑफ आई एल इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, दूसरी कंडीशन है कि आई एल की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो किस स्टेज में है, वो सॉलिड या वो प्लास्टिक स्टेज में है, दिस मीन्स सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज, ठीक है। और थर्ड है कि जो हमारे पास आई एल है इसकी वैल्यू अगर जीरो से कम है, मीन्स ये नेगेटिव में है, इसका नेगेटिव में होने का मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव में है इसका मतलब है कि जो हमारे पास लिक्विड स्टेज है वो दूर दूर तक भी नहीं होगी, तो लिक्विड स्टेज नहीं होगी तो कौन सी होगी, सॉलिड या सेमी सॉलिड होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सॉइल जो हमारा है वो किस स्टेज में है, इट मीन्स सॉइल इज इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज, ठीक है, तो इतना समझ आया। अब देखो यहीं से ही हम देखते हैं कि देखो एक रिलेशन तो हमें पता चल गया किस चीज के बीच का, आई एल और आई सी के बीच का रिलेशन क्या था, रिलेशन था ये ना, आई सी प्लस आई एल इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो देखो आई एल मैं निकाल चुका, मुझे निकालना है आई सी, तो हाउ आई कैलकुलेट आई सी, आई सी निकालने के लिए क्या करूँगा, वन माइनस आई एल, ठीक है, तो सेम कंडीशन में ये क्या वैल्यू होगी, आई सी, इफ आई सी लेस देन जीरो द वैल्यू ऑफ आई सी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इफ द वैल्यू ऑफ आई सी इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, देखो आई सी हमारा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, वन से बड़ी है तो जो हमारे पास सॉइल है वो किस स्टेज में होगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड में, ठीक है, ये वन से बड़ा है और ये जीरो से छोटा है, तो अगर दोनों को हम सम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वन आएगा, ठीक है, सेम कंडीशन ही है, तो हमारे पास जो रिलेशन है रिलेशन हमेशा ही सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि क्वेश्चन में अगर देखो आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, अगर आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने में कंफर्टेबल हो लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि
कैलकुलेट द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो आप सिंपली क्या करो, आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालो और वन में से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद करो, और अगर वही पूछा तो वेल एंड गुड, आप उसी फॉर्मूले का यूज़ करो। लेकिन अगर सेकंड के बारे में पूछा, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो आप क्या करो, वो लिक्विडिटी इंडेक्स निकालो और वन में से माइनस कर दो, तो हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं रेंज, कि इससे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सॉइल है वो कौन सी स्टेज में है, मीन्स हाउ वी क्लासीफाई आवर सॉइल। तो एनालाइज करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, लेस देन जीरो, जीरो टू टू, जीरो टू 0.25 से 0.5। ठीक है, देखो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि हम क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। 0.5 से 0.75 टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। देखो ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये लिखी हैं आईसी की, मीन्स अगर आईसी की, देखो फॉर्मूला पता है हमें आईसी का, तो आईसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अब उस वैल्यू को हम इस टेबल से मैच करेंगे कि जो वो वैल्यू आई वो कौन सी रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, अगर वो जीरो से छोटी है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तेजीज कि आईसी की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेज आती है। ठीक है, देखो अगर लेस देन ज़ीरो है तो ये हमारा है लिक्विड स्टेज। ठीक है, ज़ीरो से 0.25 है तो इसका मतलब हमारा है लो प्लास्टिक मीडियम प्लास्टिक स्टिफ प्लास्टिक, दिस इज हाईली प्लास्टिक, दिस वन इज सेमी सॉलिड एंड लास्ट वन इज सॉलिड। ठीक है, तो देखो अगर आईसी की वैल्यू ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से छोटी है, मीन्स नेगेटिव में है, तो जो हमारी स्टेज होगी वो क्या होगी, वो लिक्विड स्टेज में होगी। ठीक है, एक बार यहाँ से कंफर्म कर लो, आईसी की वैल्यू ज़ीरो से कम, या आईसी की वैल्यू ज़ीरो से कम, आईसी इज़ लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स सॉइल इज़ इन द लिक्विड स्टेज। ठीक है, आईसी की वैल्यू अगर ज़ीरो से वन के बीच में है, ज़ीरो से वन, ज़ीरो से वन, दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस वैल्यू इज़ वन, तो ये जो हमारे पास चार स्टेज है ये कौन सी रेंज है, इट इज़ फ्रॉम बिटवीन ज़ीरो टू वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आईसी हमारा ज़ीरो से वन के बीच में है तो सॉइल किस स्टेज में है, सॉइल हमारा प्लास्टिक स्टेज में है। तो यहाँ पे देखो 0 to 0.25, 2.5 up to 0.75 up to 1, तो 0 से 1 के बीच में प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक फॉर्म जो हमारे पास स्टेज है वो प्लास्टिक है, लेकिन या तो लो प्लास्टिक होगा, मीडियम प्लास्टिक होगा, स्टिफ प्लास्टिक होगा या हाईली प्लास्टिक होगा, वो डिपेंड करेगा कि रेंज एग्जैक्ट रेंज क्या है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछे कि अगर क्वेश्चन में जो ये डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन किस टाइप के हैं, अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सिर्फ तीन फॉर्म में, दैट इज़ जैसे कि जो आपकी कंसिस्टेंसी क्वेश्चन में दिया कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 0.75, और ऑप्शन में दिया कि अब बताओ कि जो हमारे पास सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, सॉलिड में है या सेमी सॉलिड में है। ठीक है, तो आप किस पे माइग्रेट करोगे, आप देखोगे इस वाली टेबल को कि आपकी आईसी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो प्लास्टिक स्टेज में ही तीन चार ऑप्शन है, मीन्स आपको वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आपको 0.74 दे दी, 0.74 दे दी और पूछा कि आपका जो सॉइल है वो किस स्टेज में है। ठीक है, तो अब आप कौन सा टेबल देखोगे, अब ये वाला टेबल देखोगे,
और जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में ये चार ऑप्शन है, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, स्टिफ प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक। ठीक है, ये थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में। तो आप ये वाला टेबल देखोगे तो 0.74 कहां से कहां लाई कर रहा है, दिस इज फ्रॉम 0.5 टू 0.75। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा स्टिफ प्लास्टिक। ठीक है, तो ये समझ गए ना टेबल। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें दो चीज कवर कर ली, एक था कंसिस्टेंसी इंडेक्स और दूसरा हमारा था लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, देखो अब जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है टफनेस इंडेक्स, और टफनेस इंडेक्स के बाद हम पढ़ेंगे थिक्सोट्रोपी, उसके बाद पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, उसके बाद एक्टिविटी, और जो लास्ट टर्म है वो है कोलेप्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम पढ़े अब जो टर्म्स हैं वो क्या पढ़ेंगे। देखो तीन टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फोर्थ टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, जो फोर्थ टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। फिफ्थ टर्म हम पढ़ेंगे थिक्सोट्रोपी, सिक्स्थ टर्म हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, सेकंड लास्ट जो टर्म हमारी होगी वो हमारी होगी सेंसिटिविटी, हो गया, उसके बाद एक्टिविटी। ठीक है, एट्थ टर्म और जो लास्ट टर्म है वो हमारी है कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टफनेस इंडेक्स। सो दिस इज द फोर्थ टर्म, टफनेस इंडेक्स। ठीक है, तो देखो टफनेस इंडेक्स कैसे निकालते हैं और टफनेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखो टफनेस इंडेक्स का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो रिलेशन है जो सोइल हमारा है सोइल की शेयर स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो पॉइंट में लिखते रहते हैं, जो टफनेस इंडेक्स है वो किससे रिलेटेड है, इट रिलेट टू द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, इट रिलेट टू द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। ठीक है, बी जो हम टफनेस इंडेक्स निकालते हैं वो हम निकालते हैं फाइन सोइल की। ठीक है, इट इज या दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फाइन सोइल। ठीक है, फाइन सोइल में हमारे पास क्या आता है, फाइन सोइल में आता है सिल्ट और क्ले। थर्ड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फाइन सोइल। जो हमारे पास टफनेस इंडेक्स आता है वो शेयर स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेशन रखता है। देखो अगर टफनेस ज़्यादा है इसका मतलब जो हमारे पास सोइल सैंपल है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, और इसको हम निकालते किस चीज़ के लिए हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फाइन सोइल। अब देखो जो बेसिकली टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जो लाई करती है वो लाई करती है 0 से 3 के बीच में, सो इट लाइज इट्स रेंज इज, देखो टफनेस इंडेक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं IT से, टफनेस इंडेक्स। इसकी जो रेंज होती है वो होती है IT लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो भी हम सॉइल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास टफनेस इंडेक्स है कम से कम वो 1 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर वो 1 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास सॉइल है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, सो दैट IT शुड बी ग्रेटर देन 1। तो जो हमारे पास टफनेस इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू है ये हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो IT टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स जो हमारा होता है वो हमारा होता है IP अपॉन IF। ठीक है, IP क्या है,
आईपी हमारा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और आईएफ हमारा क्या है, देखो जब हमने कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी कंसिस्टेंसी में वो आईएफ ही पढ़ा था, दैट इज द फ्लो इंडेक्स, ठीक है। हमने नंबर ऑफ ब्लोस पढ़े थे और उन नंबर ऑफ ब्लोस पे कितना वाटर कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम निकालते हैं क्या, आईएफ निकालते हैं, विच इज नोन एज द फ्लो इंडेक्स। तो आईपी अपॉन आईएफ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये टफनेस इंडेक्स। तो यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं कि टफनेस इंडेक्स की रेंज जो वैल्यू होगी वो रेंज में लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, टफनेस इंडेक्स जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये रेशो है किस किस के बीच का, इट इज़ द रेशो बिटवीन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टफनेस इंडेक्स, तो समझ गए ना। टफनेस इंडेक्स में हमने टोटल 4 पॉइंट पढ़े, जो पहला पॉइंट है वो है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है उससे। और इसको हम किस चीज के एनालिसिस में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर द फाइन सॉइल। थर्ड पॉइंट है कि ये जो रेंज है टफनेस इंडेक्स की वो 0 to 3 के बीच में होती है, और फॉर द गुड कैटेगरी ऑफ द सॉइल इट इज नेसेसरी दैट द वैल्यू ऑफ द टफनेस इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट कि हम टफनेस इंडेक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो निकालते कैसे हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो टफनेस इंडेक्स इतना ही है इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका फॉर्मूला और इसकी जो रेंज है ये ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो नाम से ही पता चल रहा है टफनेस, टफनेस मीन्स कि हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो टफ कितना है, टफ कितना है का मतलब कि उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है थिक्सोट्रॉपी, सो नेक्स्ट टर्म इज थिक्सोट्रॉपी, दैट इज टर्म नंबर 5th, थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो देखो पहले सिंपल समझते हैं कि थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या है। देखो थिक्सोट्रॉपी का मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो सॉइल सैंपल वो सॉइल सैंपल एक बार अगर जो अनडिस्टर्ब हो गया, देखो स्टार्टिंग में तो अनडिस्टर्ब था लेकिन टाइम के साथ साथ वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब कैसे हो गया कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन को उन्होंने चेंज कर लिया, तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। देखो जब भी हमने सॉइल सैंपल को टेस्ट करना होता है ना, तो हम फील्ड में जाके सैम्पलिंग करते हैं। हमने सैम्पलिंग करी तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिस शेप में जो सॉइल है वो फील्ड में है उसी शेप में लैब में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती है ना सॉइल की वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जब रिमोल्डिंग करते हैं तो जो शेयर स्ट्रेंथ होती है सॉइल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो टाइम के साथ शेयर स्ट्रेंथ का इंक्रीज़ होना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो देखो थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद टाइम, टाइम के साथ सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ का इंक्रीज होना या रिगेन करना ये हमारा कहलाता है थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। एक ग्राफ से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ को, शेयर स्ट्रेंथ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम, ठीक है। तो देखो मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारी
अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल की। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो अभी अनडिस्टर्ब कंडीशन में है और अनडिस्टर्ब कंडीशन में उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो इतनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी लाइन ड्रॉ करी जो कि रिमोल्डिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में जो हमारे पास सॉइल सैंपल प्रेजेंट है नेचुरली उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ये रही, ठीक है, इतनी है। तो हमने क्या किया, उस सॉइल सैंपल को उसकी पोजीशन से उठाया और लैब ले गए, ठीक है। तो लैब ले जाने में उसकी जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उनके डिस्टर्ब होने से क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ देखो, अनडिस्टर्ब की स्ट्रेंथ ये थी, अब जो इसकी शेयर स्ट्रेंथ हुई क्या हुई, कम हो गई, ठीक है, कम हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे या कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो जैसे ही टाइम पास होगा तो ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ है, ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये जो स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी, ये जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपी, ठीक है। लेकिन देखो सारी जितनी इसने लूज करी थी सब की सब तो गेन होगी नहीं, तो ये जो मान लो इतनी जो स्ट्रेंथ है वो रिगेन हो गई। पहले स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ थी, शेयर स्ट्रेंथ थी सॉइल की, वो ये थी। उसके बाद जब हम सॉइल सैंपलिंग करी तो स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो पहले स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनली स्ट्रेंथ थी, वो उतनी तो इंक्रीज नहीं होगी। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिक्रीज इन द शेयर स्ट्रेंथ, परमानेंट डिक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ। और ये जो गेन कर ली, मींस ये जो स्ट्रेंथ, जो शेयर स्ट्रेंथ आफ्टर द लॉन्ग टाइम जो सॉइल सैंपल ने गेन कर ली, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी, मींस टेम्परेरी इंक्रीज इन द शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये है थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी का मतलब है कि टाइम के साथ साथ जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो अपनी जो शेयर स्ट्रेंथ होता है उसको रिगेन कर लेता है, ठीक है। इंक्रीज या ये कहें कि रिगेन ज़्यादा सही वर्ड है, रिगेन इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नोन एज द थिक्सोट्रोपी, ठीक है। तो देखो थिक्सोट्रोपी जो हमारे पास तम है वो ग्रेवल में तो होती नहीं और सैंड में भी नहीं होगी, तो ये किस में होगी, ये उस सॉइल में होगी जिस सॉइल में क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है बी पॉइंट में लिखते हैं, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड फॉर द ग्रेवल, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड फॉर ग्रेवल। तो किसके लिए है, ये है क्ले पार्टिकल्स के लिए या क्ले सॉइल के लिए, दिस इज़ फॉर द क्ले सॉइल जो कि प्लास्टिक होते हैं नेचर में, विच आर प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो थिक्सोट्रोपी समझ गए ना कि थिक्सोट्रोपी क्या होता है, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है जो कि लूज कर दी थी किसने, सॉइल सैंपल ने, वो टाइम के साथ साथ रिगेन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थिक्सोट्रोपी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी है सेंसिटिविटी, देखो सिक्स्थ टर्म हमारी है सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई दो सॉइल है, एक सॉइल जो है वो जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अफेक्ट से वो ज़्यादा चेंज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी में, इसका मतलब ये जो हमारे पास सॉइल है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और मान लो हमारे पास कोई दूसरा सॉइल है, उस सॉइल पर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो इतना नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कि उस जो सेकेंड सॉइल था उसकी जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी कम है। तो सेंसिटिविटी क्या डिफाइन करती है, सेंसिटिविटी हमारा ये डिफाइन करती है कि जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल है उस सॉइल सैंपल पर
जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर उस इफेक्ट की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है, तो उस सॉइल को हम बोलेंगे सेंसिटिव सॉइल। अगर उस इन्वायरमेंट चेंज की वजह से जो प्रॉपर्टी सॉइल की है वो स्ट्रिक्ट है, मीन्स चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सेंसिटिव सॉइल या इनसेंसिटिव सॉइल। ठीक है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन पर्पस ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम कौन सी सॉइल प्रीफर करेंगे, उसके हिसाब से हम प्रीफर करते हैं नॉन सेंसिटिव सॉइल। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई भी सॉइल हमारे पास सेंसिटिव है, मींस उसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हुआ तो वो स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसलिए कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सी सॉइल प्रीफर करनी है, नॉन सेंसिटिव सॉइल प्रीफर करनी है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है, ये है कि सॉइल की प्रॉपर्टी है। पॉइंट्स में लिखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच डिफाइन द बिहेवियर। ये क्या बताती है, ये बताती है कि जो हमारे पास सॉइल है, सॉइल का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो इसको निकालते हैं हम सेंसिटिविटी विच इज डिनोटेड बाय एस। तो सेंसिटिविटी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल सैंपल। ठीक है, या शॉर्ट में अगर हम इसे लिखें तो ऐसे लिखते हैं, UCS ऑफ अनडिस्टर्ब टू द UCS ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो देखो सेंसिटिविटी हम निकाल रहे हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप की स्ट्रेंथ है। तो समझ गए ना कि सेंसिटिविटी क्या है और हम कैसे निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि सेंसिटिविटी निकाल तो ली, हमारे पास फॉर्मूला है कि UCS ऑफ द अनडिस्टर्ब सॉइल टू द UCS ऑफ द रिमोल्डेड सॉइल। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम कैसे एनालाइज करेंगे कि जो हमारे पास सॉइल है वो ज़्यादा सेंसिटिव है या किस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो टेबल देखते हैं, ठीक है तो टेबल देखते हैं, ये एस की वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करेगी सेंसिटिविटी और ये रिप्रेजेंट करेगी कंडीशन। ठीक है, तो लेस देन जीरो, 1 to 4, 4 to 8, 8 to 16, मोर देन 16। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर इस रेंज के सामने हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो इस रेंज में आता है तो सॉइल का टाइप क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो किस टाइप का होगा। देखो अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू जीरो है या जीरो से कम है, इसका मतलब जो सॉइल होगा वो इनसेंसिटिव होगा, इनसेंसिटिव। अगर 1 to 4 है, इसका मतलब ये लेस सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन लेस सेंसिटिव है, इट इज लेस सेंसिटिव। ठीक है, उसके बाद अगर 4 to 8 के बीच में है तो मीडियम सेंसिटिव, अगर 8 to 16 के बीच में है तो इट इज हाई सेंसिटिव। ठीक है, और अगर 16 से ज़्यादा है तो इट इज वेरी हाई सेंसिटिव, या बोल सकते हैं कि इट इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव।
अब एक क्वेश्चन जो आता है इस टेबल से ये आता है कि मान लो कि जो हमारे पास सेंसिटिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो 16 से ज़्यादा है. इफ़ द वैल्यू ऑफ द सेंसिटिविटी इज़ मोर देन 60 देन टेल विच टाइप ऑफ सॉइल इज इट. कि जो हमारे पास सॉइल है वो कौन से टाइप की सॉइल है, उसके चार ऑप्शन आ जाएंगे. तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 16 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, अब देखो इसका बेसिक समझते हैं. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्या मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है उसमें हम अगर थोड़ा सा भी चेंज करें तो जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. ठीक है, तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जैसे हमने थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट ऐड किया और उसकी प्रॉपर्टी में बहुत लार्ज चेंज हमें दिखा, तो इसका मतलब कि जो हमने वाटर ऐड किया था वो वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स. मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं क्ले में. कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो देखो एक चीज़ नोट करो यहाँ से कि अगर जो सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू हमारी 16 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं क्विक क्ले. ठीक है, ये क्लियर है कि क्ले होगा, क्यों, क्योंकि क्ले में ही मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्ले में, एक बार तो बता दिया, अब दोबारा देख लो कि जो हमारे तीन मिनरल हैं जो बेसिक हैं वो क्ले में प्रेजेंट होते हैं. पहला हमारा है केओलाइनाइट, सेकंड वन इज इलाइट एंड थर्ड वन इज मोंटमोल्यूनाइट. ठीक है, अब देखो जो हमारे पास केओलाइनाइट है इसकी जो सेंसिटिविटी है वो है अप्रोक्सीमेटली 0.7. जो इलाइट मिनरल है इसकी सेंसिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 0.98 और जो मोंटमोल्यूनाइट क्ले मिनरल है इसकी जो सेंसिटिविटी है इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 7.2. ठीक है, ये क्या है, ये वैल्यू है सेंसिटिविटी की. मींस मान लो कि हमारे पास कोई क्ले है, क्ले के अंदर मोंटमोल्यूनाइट मिनरल प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा भी चेंज किया कि इसमें वाटर कंटेंट में, तो उस वाटर कंटेंट के चेंज करने से क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी. ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है सेंसिटिविटी की मोंटमोल्यूनाइट की वो है अप्रोक्सीमेटली 7.2. ठीक है, तो सेंसिटिविटी हमारा क्या डिफाइन करती है, सेंसिटिविटी का नुकसान क्या है कि अगर हमारे पास कोई सॉइल है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है. देखो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है उसके अंदर हमने वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करा या डिक्रीज़ करा, तो अगर ज़रा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, जो हमारे पास सॉइल है वो प्रॉपर्टी शो करेगा हाई स्वेलिंग की. ठीक है, मींस उसने वाटर को क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो गया. ठीक है, और जैसे ही ड्राई डे आया तो ड्राई डे के अंदर क्या हुआ कि जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो गया, वो जैसे ही रिमूव हुआ तो वो जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो श्रिंक हो जाएगा. तो जो हमारे पास सॉइल है वो हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे पास सॉइल है ये अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हमने किसी ऐसी सॉइल पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जो कि हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज की प्रॉपर्टी शो कर रही है तो क्या होगा, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा, उसमें सेटलमेंट आ जाएगा. ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसकी सॉइल ही स्टेबल नहीं है. इसलिए जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम प्रीफर करते हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो जीरो से जीरो, जीरो या जीरो से कम हो. मींस वी आर प्रीफरिंग द इनसेंसिटिव सॉइल. और क्यों करते हैं वो चीज़ मैं बता चुका. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी. इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है एक्टिविटी. देखो सेंसिटिविटी कवर कर लिया, इसके बाद है एक्टिविटी. ठीक है, एक्टिविटी क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं एक्टिविटी को और एक्टिविटी का मतलब क्या है. ठीक है, सो दिस इज द सेवंथ टर्म. दैट इज द एक्टिविटी. देखो पहले सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक्टिविटी को हम निकालते कैसे हैं. एक्टिविटी को निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि आईपी अपॉन परसेंटेज सी. आईपी तो देखो पता ही है, आईपी हमारा क्या है, आईपी हमारा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स. और परसेंटेज सी क्या है, ये है, सी का मतलब है क्ले.
मीन्स हमारे पास जो भी सॉइल सैंपल है उसके अंदर क्ले का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है आईसी, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है वो होती है आईपी अपॉन आईसी, ठीक है। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, ग्राफ से देखते हैं। परसेंटेज सी और यहां पर आईपी, ठीक है। देखो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले से हमने क्या करा, देखो कोई भी सोइल सैंपल होगा उसमें परसेंटेज क्ले की वैल्यू हमें पता होगी, नहीं पता तो हम इजीली निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और आईपी की वैल्यू हम निकाल चुके, कैसे निकालते हैं बता चुका कि आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इजीली लेबोरेटरी में हम आईपी की वैल्यू निकाल लेंगे और परसेंटेज सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्टिविटी। अब ये कैसे पता चलेगा एक्टिविटी की वैल्यू से कि जो हमारे पास सॉइल है वो एक्टिव स्टेट में है या इनएक्टिव है या नॉर्मल है, तो वो पता चलेगा इस ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ को देखते हैं, 0.75, 1.25, अगर हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो 0 टू 0.75 की रेंज में आ रही है उसकी एक्टिविटी, तो वो हमारा होगा इनएक्टिव, इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। उसकी वैल्यू अगर 0.7 से 1.25 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो एक्टिव कंडीशन में है, इट मीन्स द सॉइल इज इन एक्टिव कंडीशन, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉइल है वो इनएक्टिव स्टेट में है। तो देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा एक्टिविटी का, दैट इज आईपी अपॉन परसेंटेज सी, ये किसने दिया था, ये दिया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम है स्केम्प्टन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास एक्टिविटी है उसको हम निकालते कैसे हैं, दैट इट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्राफ देख लिया कि अगर हमारे पास जो एक्टिविटी की वैल्यू है वो 0.7 से 0 के बीच में है तो जो हमारा जो सॉइल की कंडीशन है वो क्या होगी, वो इनएक्टिव होगी, नॉर्मल होगी या फिर एक्टिव होगी, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास वैल्यू आई एक्टिविटी की वो कितनी आई है, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी का भी यही सीन है कि अगर कोई भी सॉइल सैंपल है उस सॉइल सैंपल के अंदर हमने वाटर ऐड करा तो उस वाटर ऐड करने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना चेंज आया, अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव स्टेट में है, जैसे कि जो क्ले मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारा है, क्योंकि जो ग्रेवल है या सैंड है उस कंडीशन में जो ये टर्म्स हैं जो भी हमने पढ़ी सेंसिटिविटी या एक्टिविटी, तो ग्रेवल्स जो हमारे होते हैं या सैंड होते हैं तो उन सिचुएशन में ये टर्म्स डिफाइन नहीं है। तो ये जो टर्म्स है ये डिफाइन होती है जो हमारे पास क्ले है, जो क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल के लिए इन टर्म्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी। अब जो लास्ट टर्म है वो है कोलेप्सिबिलिटी, एट्थ टर्म इज कोलेप्सिबिलिटी, ठीक है। देखो कोलेप्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कोलेप्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है ना कि कोलेप्स कर जाना, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सॉइल है उस सॉइल के अंदर हम आर्टिफिशियली कोई वाटर ऐड करते हैं तो उस वाटर के ऐड करने से उसकी जो कोलेप्सिबिलिटी है वो कैसी है, मींस वो क्या कोलेप्स हो जा रही है, या वाटर कंटेंट को ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मींस उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ बताती है ये टर्म कोलेप्सिबिलिटी। तो कोलेप्सिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट,
ठीक है, कि जब भी हम किसी सोइल के अंदर वाटर कंटेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, जो सोइल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बताता है क्या, कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, तो एज एन एग्जांपल देखो, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास स्नेक होते हैं, जो जहाँ पर स्नेक रहते हैं वहाँ पर जो सॉइल होती है वो थोड़ी लाइट कलर की होती है, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, मीन्स क्लोजली अटैच नहीं होते जो पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप उस जगह पर जाके पानी डाल दो, तो पानी ऐड कर दो, वाटर कंटेंट ऐड कर दो, तो क्या होता है कि वो जो सॉइल है वो कोलैप्स हो जाती है। मीन्स मान लो कि इस तरह की, देखो आपने देखा होगा कि जहाँ पर स्नेक्स वगैरह रहते हैं ना, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना रहता है सॉइल पर। ठीक है, तो आप अगर इस पर जाकर वाटर डाल दोगे, एक बाल्टी आपने क्या करा, इस पर पानी डाल दिया, तो आपने इस पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, मान लो इसका जो वॉल्यूम था वो था वी, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस पर जाके एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो अब इसका जो वॉल्यूम हुआ, अब इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीमेंट हो गया। सो दिस इज कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये हमारा हुआ डेल्टा वी, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो कोलैप्सिबली, तो ये क्या हुआ, ये सोइल कोलैप्स कर गया। तो कोलैप्सिबिलिटी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं डेल्टा वी बाय वी, या देखो, या तो वॉल्यूम में चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइट में कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा एच बाय एच, या डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोड। देखो ये जो तीन हमने इक्वालिटी यूज़ करी, तीनों एक ही चीज़ बताती है। देखो डेल्टा वी क्या बताएगा, ये बताएगा कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया। डेल्टा एच से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोलैप्सिबिलिटी को, कि जो हाइट थी ओरिजिनली कितनी हाइट थी, और जब हमने वाटर ऐड करा उसके बाद कोलैप्स जब हुआ सॉइल, उस कोलैप्स होने के बाद जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, तो इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो थर्ड टर्म है, दैट इज डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोट। डेल्टा ई, ई क्या है, ई हमारा है वॉइड रेशो। ई नोट का मतलब कि जो हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन में जो हमारे पास वॉइड रेशो है सॉइल सैंपल का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ई नोट, कि पहले कितना वॉइड रेशो था। ठीक है, ऑब्वियसली पहले ज़्यादा वॉइड रेशो होगा, तभी उसका जो वॉल्यूम था ये इतना था, लेकिन हमने उसमें जब ऐड किया तो क्या हुआ, वॉइड रेशो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सॉइल कोलैप्स हो गया और इसका जो वॉइड रेशो था वो चेंज हो गया। तो डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई हमारा है चेंज इन द वॉइड रेशो। ठीक है, तो सिंपल कोलैप्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कोलैप्सिबिलिटी ये डिफाइन करती है कि वाटर के ऐड करने पर जो हमारे पास सॉइल है उसके वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ, मीन्स द डिक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल बाय एडिशन ऑफ द वाटर। तो ये जो हमारी टर्म है ये है कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जितने भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी, देखो लास्ट थी हमारी कोलैप्सिबिलिटी, जितने भी इंडेक्सेस थे तो वो सब हमने कवर कर लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी नहीं कवर कर रहे, जैसे कि क्ले मिनरोलॉजी एक टॉपिक हो गया। तो क्ले मिनरोलॉजी वैसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम अलग से एक लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो जो कल से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू, दैट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो आज बस लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।